आज देखना है वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। प्रकृत संख्या को पूर्णांक संख्या को कैसे निरूपित करते हैं इसको तो हम लोगों ने देखा पिछले दिनों। अब देखना है कि भिन्न संख्या को कैसे निरूपित करेंगे। जैसे कि दशमलव 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, 2.5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। स्पष्ट है कि ये 2.5 2 और 3 के बीच स्थित होगा, तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। और उसको 10 बराबर भागों में बांट देते लिया के पहला चीज 2 भाग बना गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10वां चीज जो है 3 को निरूपित करेगा। अब हमको 2.5 का स्थान निर्धारित करना है, तो चूंकि ये जो इकाई है 2 और 3 के बीच की संख्या रेखा वाली, इसको हम 10 भाग में बांट दिया, तो स्पष्ट है कि ये 2 के बाद का जो चिन्ह है ये 2.1 को निरूपित करेगा, इसके बाद 2.2 को निरूपित करेगा, उसके बाद 2.3 को निरूपित करेगा, उसके बाद वाला 2.4 को निरूपित करेगा, उसके बाद वाला 2.5 को निरूपित करेगा, उसके बाद वाला चीन 2.6 को निरूपित करेगा, उसके बाद वाला 2.7, उसके बाद वाला 2.8 को, उसके बाद वाला 2.9 और उसके बाद वाला 3। तो स्पष्ट है कि 2.5 का स्थान संख्या रेखा पर ये 5वां चिन्ह जाएगा।
ये पांचवा चिन्ह जो है तो दस का पांच को रिपीट करेगा और इसकी दूरी हो गई इधर से लेकर ये दूरी जो है 2.5 को निर्धारित करेगा।